और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। टमाटर की खबरें किसी न किसी तरह सुर्खियां बन रही हैं। टमाटर की बढ़ती कीमत के बीच अभी झारखंड से अलग वजह को लेकर चर्चा में आया। नजर झारखंड के गुमला में चोरों पर 50 किलो से ज्यादा का टमाटर चोरी करने का आरोप लगा। इसके लिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया गया कि चोरों ने सब्जी मंडी में कई दुकानों के ताले तोड़कर ये चोरी की। टमाटर के अलावा चोर 10 किलो अदरक और करीब 2 लाख की वेट मशीन और दूसरी चीजें भी उड़ा ले गए। महाराष्ट्र में अभी से गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। कोल्हापुर में गणपति की 12 फीट ऊंची मूर्ति मुंबई से लाई गई। इस दौरान वहां गणेश जी का जोरदार स्वागत किया गया। कई भक्त वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरक उठे। इस गणेश प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के दिन रंकलावेश गोल सर्कल के मंडप में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस थाने में रामायण पाठ करवाया गया। इसमें पुलिस वालों के अलावा फरियादी भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर कन्या भोज भी रखा गया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। रामायण पाठ के दौरान पूरा थाना भक्तिभाव में डूबा नजर आया। इस थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर आकाश सिंह राजपूत ने बताया कि लोगों और पुलिस के बीच दूरी कम करने के मकसद से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस के सामने अपनी बात खुलकर रख पाते हैं। हरियाणा के करनाल में विंटेज कार का एग्जीबिशन लगाया गया। यह कारें दिल्ली से यहां पहुंची। इस दौरान पुरानी कारों के शौकीन बड़ी संख्या में देखने पहुंचे। विंटेज कारों का जमाना भले ही बीत गया हो लेकिन आज भी ये शाही एहसास करवाती हैं। इनका स्टाइल और डिजाइन लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में जब इन विंटेज कारों का काफिला करनाल पहुंचा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस रैली में हिस्सा लेने वाले लोग भी काफी खुश दिखाई दिए। इस रैली में 1937 की रोल्स रॉयस समेत कई पुरानी और महंगी कारें शामिल रही। इनमें कई राजघराने की गाड़ियां भी हिस्सा लेने पहुंची। ये विंटेज कार रैली पिछले 22 वर्षों से निकाली जा रही है। राजस्थान की पाली में गांव की महिलाओं में कबड्डी के लिए जबरदस्त जुनून देखने को मिला। वो पारंपरिक ग्रामीण वेशभूषा में कबड्डी खेलती नजर आई। पाली में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का शुभारंभ हुआ है जिसमें गांव की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।